कर्णे शिरोयाम धीर्घये सुष्टु भाषे महि देव हितम्। रिटायर हो गया और आपने याद करना छोड़ दिया। ये तो बॉम्बे में होती है। जोरदार तालियां। ये इनकी विशेषता है। चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य मंच की ओर आए उस विनोद खजूरिया जी का चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए। अगर वो हमारे जो हमारे ऋषियों ने हमारे मनीषियों ने हमारे सनातन ने हमें दिया है अगर हम उसके रूप चलते हैं तो हमारा अगला जन्म भी अच्छा होने वाला है, अच्छे पथ के ऊपर चलने वाले हैं। और अगर वो नहीं है तो जितना हमें इस जन्म में मिला है सिर्फ यही चल पाएगा। भविष्य हमारा अंधकार है, ये निश्चित है। तो पंडितों का, ब्राह्मणों का, जो विद्वान लोग हैं, इनका एक दायित्व है। क्योंकि जब जब विद्वान अपने पथ से भटका है, समाज अपने पथ से भटका है। विद्वान अपने पथ के ऊपर चलता रहेगा तो समाज भी हमेशा अपने पथ के ऊपर बना रहेगा। तो मेरा अनुरोध एक ही है कि कृपया समाज अपने पथ के ऊपर चले, इसके लिए जितना विद्वान वर्ग है, जितना विद्वत वर्ग है, वे अपने कर्म के ऊपर अडिग बने रहे और इस तरह के कार्यक्रमों को इसके वास्तविक स्वरूप तक पहुंचाए। इसी अनुरोध के साथ आप जिस अभियान पर निकलने वाले हैं, भारतीय राजनीति जिस अभियान पर निकलने वाली है, उसको अपने राजनय खड़े करने पड़ेंगे। उसको अपने भीतर उस नायकत्व का एहसास करना पड़ेगा जो नायकत्व से भूमि पर प्रकट हुआ था। और इसलिए किसका विनाश किया स्कंदगुप्त विक्रमादित्य ने? एक कवि ने कहा था, दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहां यूनान कहां है। दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहां यूनान कहां है। घर घर में शुभग्नि जलाता वह उन्नति नान कहां है। दीप बुझे पश्चिमी गगन के व्याप्त हुआ बरबर हियारा, किंतु चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। हमने उनका स्नेह लुटाकर पीड़ित ईरानी पाले हैं, निज जीवन के का दीप जलाकर मानवता के दीपक वाले हैं। जग को अमृत का घट देकर हमने विष का पानी पिया था, अंबर के ललाट को चूमा, अतर सिंधु को छान लिया था।